तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल गार्डन गेल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नर्सरी के बारे में। आज थोड़ा बहुत आपको नर्सरी का जो टूर है वो दिखाएंगे, नर्सरी के जो प्लांट्स है वो दिखाएंगे और बताएंगे कि आज हम नर्सरी में कौन कौन से जो काम है वो कर रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो फुल देखना, अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। तो देख सकते हो कि ये फ्लावर हैं रोज़ के, काफ़ी अच्छे फूल आए हुए हैं, काफ़ी अच्छे से खिले हुए हैं। तो इसकी क्या केयर है मैंने आपको पहले इस पर वीडियो बनाया हुआ है तो बताया हुआ है, तो इसी तरह आप कर सकते हो, आपके वो फ्लावर इसी तरह आ जाएंगे। और आगे हमारे पास देख सकते हो कि काफ़ी जो प्लांट्स पड़े हुए हैं, काफ़ी देख सकते हो पॉट पड़े हुए हैं, तो हमारे पास फ्रंट पे काफ़ी अच्छे से जो रोज़ के प्लांट है वो काफ़ी अच्छे पड़े हुए हैं, तो इसके ऊपर रोज़ भी काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं। तो आगे देख सकते हो कि हमारे पास जो आज नर्सरी में जो डाया लगा रहे हैं सभी प्लांट्स को एक एक करके, तो कैसे लगाते हैं आप आज को मैं बता रहा हूँ। तो देख सकते हो कि आपने हल्का हल्का सभी प्लांट्स में लगाना है, कुछ ज़्यादा नहीं लगाना लेकिन लगाना हल्का हल्का है। तो आप ये इतना जो आप देख रहे हो ये एक प्लांट में ही आप लगा सकते हो, तो पाँच पाँच सात सात दाने आप सभी प्लांट्स में लगाएँ, उसके बाद पानी लगाएँ। तो आज हम नर्सरी में जो हम रीपॉटिंग भी कर रहे हैं, कुछ जो हमारे पास प्लास्टिक की जो थैली है उसको बड़े बड़े बैग में कर रहे हैं। तो अभी मौसम है अच्छा, आप भी अपने घर के अंदर कोई रीपॉटिंग करना चाहते हो, किसी पॉट को बड़े पॉट में लगाना चाहते हो प्लांट्स को, तो लगा सकते हो, बहुत ही अच्छा जो भी मौसम है। तो जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पास इंडोर प्लांट्स भी काफ़ी अच्छे से पड़े हुए हैं, तो आपको वो भी दिखाना चाहता हूँ। तो रोज़ प्लांट्स भी आप देख सकते हो, तो हमारे पास ये देख सकते हो कि इंडोर प्लांट्स काफ़ी अच्छे से पड़े हुए हैं, जो बंगलौरी कॉटन आप देख सकते हो, आगे फ्लोड्रम पड़ा है, आगे एरिका पाम पड़ा है, तो इन प्लांट्स को भी आप अपने घर के अंदर लगा सकते हो। यही परमानेंट चलने वाले प्लांट्स है, या धूप में नहीं चलेंगे, ये इंडोर ही चलेंगे। सभी में भी आप डीएपी खाद है वो लगा सकते हो। अब हम सभी प्लांट्स है सभी में हमें एक एक करके जो डीएपी खाद है वो लगा रहे हैं, तो आप भी अपने घर के अंदर इस टाइम लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ट्री हैं वो काफ़ी अच्छे से पड़े हुए हैं, जैसे बर्मा डेक पड़ी हुई है, कैस्ट्रिना पड़ा हुआ है, रुकरिया पड़ा हुआ है। तो हमारे पास एक नर्सरी में जो गुलमोहर का जो प्लांट्स है वो भी लगा हुआ है, तो इसके ऊपर जो फूल हैं वो काफ़ी अच्छे से आ रहे हैं आप देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप इस मौसम में लगा सकते हो इस प्लांट्स को, इस ट्री को, गमलोहर को। ये गमलोहर का जो प्लांट्स है वो काफ़ी अच्छा है। तो आगे देख सकते हो कि हमारे पास देसी रोज काफ़ी अच्छे से तैयार किया हुआ है हमने, तो ये भी बहुत ही अच्छा पड़ा हुआ है। तो आगे हमारे पास पांडा फाइकस के पड़े हुए हैं। तो दोस्तों हम जो अभी आपको दिखा रहे हैं ये तोता ट्री, इसको हमने कटिंग के साथ तैयार किया हुआ है कलम से, ये बहुत ही अच्छे से हो गया है। तो आगे हमने शहतूत की कलम लगाई थी, ये बहुत अच्छे से हो गई है। तो आगे हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे पास अनार है वो छोटे बैग में, उसको आज हम बड़े बैग में कर रहे हैं। तो छोटे बैग के होने के कारण इसकी पत्तियाँ पीली पड़ रही है और इसने जलना स्टार्ट कर दिया है, तो इसीलिए इसको आज हम जो बड़े बैग में चेंज कर रहे हैं। तो साथ में इसके साथ हम डीएपी खाद है वो भी लगा रहे हैं, डाया भी लगा रहे हैं। तो देख सकते हो कि इसकी इसी तरह हम जो बड़े बैग में उसी में हम सभी को कर रहे हैं आप देख सकते हो, साथ में डाया भी लगा रहे हैं, तभी जब 10 और 15 दिन में बहुत ही अच्छा हो जाएगा, जिसकी जो पीली पत्ती है वो ठीक हो जाएगी। तो सभी में इसी तरह हम साथ में ही हल्का हल्का जो डीएपी है वो लगा रहे हैं। तो हम सभी को इसी तरह जो हमारे पास छोटे बैग का जो प्लांट है सभी को हम बड़े बैग में चेंज कर रहे हैं। तो आप भी इस टाइम कर सकते हो अपने घर के अंदर, किसी प्लांट्स को आपने निकाल के किसी प्लांट्स की जो जगह आपने चेंज करनी है वो भी करने का बिल्कुल सही टाइम आप लगा सकते हो। अगर आपने किसी पॉट की रिपोर्टिंग करनी है वो भी कर सकते हो। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।